लाइव स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं रितेश गिरी दोस्तों आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीआई, और डीआई जो ये हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों स्पेशली डिजाइन फॉर एसबीआई पीओ। ये जो डीआई हम लोग देखेंगे वो एसबीआई पीओ के लिए हम लोग देखेंगे दोस्तों, एसबीआई पीओ के लिए। अभी जो आपका एग्ज़ाम अभी एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जून में होगा, हम लोग पीओ के लिए देख रहे हैं। एसबीआई क्लर्क का भी हमने एक सीरीज चला रखा है, ठीक है दोस्तों। तो साथ में डीआई का आनंद लेते रहिए मेरे साथ आप लोग। हम आपको स्ट्रेटेजी भी बताएंगे और डीआई भी बताएंगे कैसे अप्रोच लेना है। 2 मिनट में आपको कैसे 5 क्वेश्चन करने हैं अगर मॉडरेट लेवल का डीआई है तो, अगर आसान डीआई है तो 1 मिनट 30 सेकंड में उस 5 क्वेश्चन को कैसे करने हैं दोस्तों, और थोड़ा डिफिकल्ट डीआई है तो दोस्तों 3 मिनट में 5 क्वेश्चन को कैसे करना है। डीआई को कोई भी डीआई छोड़ना नहीं है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताऊँगा। और एक पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन आता है जो दोस्तों जो छोड़ने वाला होता है वो भी मैं बताऊँगा, कौन सा क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में स्किप कर सकते हो। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, मैं बनाना भी सिखाऊँगा और स्किप करना भी सिखाऊँगा, दोनों चीज़ें मैं सिखाऊँगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सुनहरा चलने वाला ये डीआई का सेशन। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग डीआई लेते हैं। फर्स्ट वाला डीआई क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर ए पोस्ट इन ईच ईयर। अच्छा, नंबर ऑफ कैंडिडेट 2016 से 2019 तक अप्लाइड हुए इतना। देखिए यहाँ एक वर्ड लगा है ईच ईयर, मतलब प्रत्येक साल। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 2016 में भी कैंडिडेट अप्लाइड हुए हैं वो 2400 ही, 2017 में भी अप्लाइड हुए हैं वो 2400 ही, 2018 में भी 2400 कैंडिडेट अप्लाइड हुए हैं, और 2019 में भी 2400 ही अप्लाइड हुए हैं। अप्लाइड कैंडिडेट फिक्स कर दिया सबके लिए, कितना 2400 ही, ठीक है दोस्तों। द फॉलोइंग बार ग्राफ गिव द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्लियर द रिटन एग्जाम। अच्छा, बार ग्राफ नीचे दिया हुआ है, देखिए बार ग्राफ क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्लियर द रिटन एग्जाम। क्लियर है ये, जो रिटन एग्जाम क्लियर नहीं किया है वो कौन सा है, ये वाला डायग्राम ग्रीन वाला उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्लियर नहीं किया कौन सा रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों, ठीक है। 0-0, इस 0-0 का मतलब क्या है, मतलब ये वैल्यू 5 है तो 500 हो जाएगा, ये 10 है तो 1000 हो जाएगा, ये 15 है तो 1500 हो जाएगा, 20 है तो 2000, ये 25 है तो 2500 हो जाएगी दोस्तों, ठीक। अब देखिए कुछ बातें और मैं इसके रिगार्डिंग बता दूं, जैसे क्या है ना बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, समझ रहे हैं, एक एक का गैप है, सब में गैप कितना है दोस्तों, एक एक का ही गैप है, एक एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक। अगला लाइन क्या कह रहा है ये भी हम देखते हैं, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट आफ्टर द इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, किसके बाद, इंटरव्यू के बाद, ऑल द कैंडिडेट हु क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन वेंट फॉर द इंटरव्यू, जिसने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया वो इंटरव्यू के लिए गए, ठीक। और परसेंटेज किसका दिया है, कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद जो सिलेक्टेड हैं, ये परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड है, ये कौन सा है, ये आपका ब्लू वाला है दोस्तों, जो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर जी। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, इसको इरेज कर दीजिए। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द ईयर 2018 हु वर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अच्छा, 2018 में कौन सा सिलेक्ट हुआ, तो हमको पता है 2400 ही स्टूडेंट है दोस्तों सब में, कंप्यूटर जी इसको हटाइए। हमको ये बात पता है कि टोटल जो स्टूडेंट है 2014 हो 16 हो 18 उसमें 2400 ही है, 2400 में सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड होंगे, ठीक है। अब देखिए 18 में यहाँ पे सिलेक्टेड जो नहीं क्लियर किए वो कितना है, देखिए एकदम 20 वाले लाइन पर है, देखिए ये लाइन कहाँ जा रही है 20 पे, 2-0 लगाना है मतलब 2000, 2000 नॉट क्लियर किए हैं एग्जाम, नॉट क्लियर कितना 2000, तो एग्जाम जो क्लियर करने वाले हैं वो कितने हो गए दोस्तों, तो एग्जाम क्लियर करने वाले 400 हो गए, कितने हो गए 400 हो गए, ठीक। अब यहाँ कितना दिया हुआ है, तो 25%, देखिए ये लाइन कहाँ जा रही है 25 पे जा रही है, मतलब 25% परसेंटेज ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो क्लियर करेंगे वही तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जो रिटेन क्लियर करेंगे वही इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो 24000 का 25% हमें निकालना है, तो कितना हो जाएगा, आधा करते हैं 200 का आधा 100, 25% कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए 100% है, आधा करेंगे तो 50% और फिर आधा करेंगे तो 25%, दो बार आधा कर देना या 1/4 निकाल देना, बात वही है, तो आधा करेंगे 200 का आधा 100, तो कितना स्टूडेंट हो गए 100 स्टूडेंट जो, ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट बहुत सिंपल था सिलेक्ट हुए पोस्ट के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन इन 2016। अच्छा, 2016 में जिसने क्लियर किया, वापस से 2016 में आते हैं हम लोग बात, तो 2016 में भी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2400 में नॉट क्लियर, देखिए दोस्तों कितना है 1500 नॉट क्लियर, तो क्लियर वाले कितने हो जाएंगे 900 का कितना 15% क्लियर किए हैं, 900 का
15% जो बच्चे की लड़के हैं, लेकिन ये क्या पूछा है, रेशियो किसका पूछा, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, सिलेक्शन का नहीं पूछा, जो बस क्लियर किए हैं तो 900 हो गया, ठीक। और 2009 का एंड कैंडिडेट हु क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन 2019 में देख लीजिए दोस्तों, तो 2019 में भी 2400 ही हैं, कितने हैं 2400 ही हैं, 2400 में 2019 में कितना, एक कम है दोस्तों, तो मतलब 1400, तो बचा कितना 1000 जो है वो क्या है कैंडिडेट, यहाँ पे तो रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9:10, 900 और 1000 का रेशियो कितना हो जाएगा 9:10, ऑप्शन नंबर ए, यही हमसे पूछा है। क्या पूछा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, तो रिटन एग्जामिनेशन जो क्लियर किए हैं, तो नॉट क्लियर दिया हुआ है, टोटल में से नॉट क्लियर माइनस कर देंगे, टोटल में से क्या माइनस करेंगे, टोटल बराबर नॉट क्लियर प्लस क्लियर, तो क्लियर हमें निकालना हो तो टोटल में से नॉट क्लियर को क्या कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, माइनस कर देंगे दोस्तों, तो सिंपल है, दो बार हमने माइनस करके रेशियो निकाल लिया। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, 1500 बच्चे ऐसे हैं 2016 में जिसने एग्जाम नहीं क्लियर किया 2400 में से, तो क्लियर करने वाले 900, 2019 में भी 2400 ये बोला हुआ है कि हर एक में क्या है वो सेम है, तो 2019 में भी कितने हैं दोस्तों, तो 2400 ही है, 2400 में से कितने 1400 जो नहीं क्लियर किए, तो 1000 बच्चों ने क्लियर किया एग्जामिनेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या करें, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट वी आर सिलेक्टेड इन 2019। अच्छा 2019 की पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2400 था, अभी हमने निकाला था 2019 में 1400 था, तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 1000 का 5 में एक ज़्यादा है, मतलब 6% है, यहाँ कितना है 1000 का 6% दोस्तों कितना हो जाएगा 60 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, 60 स्टूडेंट का क्या हुआ है सिलेक्शन, ठीक 60 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्टेड हुए हैं, 60 सिलेक्टेड हुए कितने में से, टोटल स्टूडेंट है 2400 में से, तो कितना परसेंट स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, यही तो पूछा है, ये काट दिया हमने, 2020 कैंसिल हो गया, तो ये 6 से कट गया, ये 6 से काटिए कितने बार में, 4 बार में, 10/4% आ गया इसका आंसर दिया हुआ है, 10/4 का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 2.5%, ऑप्शन नंबर ई। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पूछा है टोटल कैंडिडेट जो अप्लाइड किए हैं पोस्ट में से, उसमें से जो सिलेक्टेड है वो कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, यही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ले चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन इन 2017 में देख लीजिए पहले, तो 2017 में भी कितने स्टूडेंट है 2400 ही हैं, ये सब मन ही मन कर सकते हैं, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा 1700 में से कितना माइनस कीजिएगा 1800 माइनस कीजिएगा तो 600, एग्जाम में आप क्या इतना थोड़ी लिखिएगा, सिर्फ कितना लिखना है आपको 600 लिखना है दोस्तों, एग्जाम में कितना लिखना है 600 लिखना है, ठीक, इतना सारा चीज़ तो आपको लिखना नहीं था। फिर इधर किधर बात किया 2016 में, तो 2016 में भी टोटल कितने हैं तो 2400 ही हैं, 2400 में से 1500 चला गया तो कितना बचा 900, हु क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, क्लियर रिटन एग्जामिनेशन कितना हो गया 600 इन 2017, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड, अब सिलेक्टेड का निकालना है 2016 में, तो 2016 में देखिए 15% सिलेक्ट हुए, तो 900 का 15% बच्चे क्या हुए सिलेक्ट हुए, 900 का 15% बच्चे सिलेक्ट हुए, तो ये सिंपल है, 15% निकालना कैसे 90, 10% कितना हो जाएगा 90, और 5% कितना हो जाएगा 45, तो 90 और 45 कितना हो जाएगा दोस्तों 135, इन्हीं का डिफरेंस लेना है, तो 600 और 135 का हमें डिफरेंस लेना है, ये 10% हमने निकाल लिया, ये हमने 5% निकाल लिया, हमने दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 15%, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 465, यही तो डिफरेंस निकालना था, और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंपल है, बस कैलकुलेशन है, दो दो मिनट का DI है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये DI मैंने पिक कहाँ से किया है, तो ये जो DI मैंने पिक किया है वो हमने पिक किया है ओली बोर्ड से हमने पिक किया है, ओली बोर्ड मॉक टेस्ट, SBI PO मॉक टेस्ट से ये वाला DI हमने पिक किया है। अभी जो हम लोग DI करेंगे वो अभी इसी का करेंगे, इसके बाद हम लोग दूसरे टेस्ट सीरीज़ का भी करेंगे। आपको लगता है कि आपके टेस्ट सीरीज़ का भी DI आपको अच्छा लगता है और वो भी सॉल्यूशन मुझे कराना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कौन सा टेस्ट सीरीज है आपका, और मैं उस टेस्ट सीरीज़ का DI डिस्कस कर दूंगा दोस्तों। आप लोग बता दीजिएगा PO का करना है, क्लर्क का करना है, टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे अवेलेबल है, जो भी आपको लगता हो, मैं नेक्स्ट ट्राई करूंगा कि उसके भी कुछ मॉक टेस्ट डिस्कस कर दूँ अगर अच्छा हुआ तो, ठीक है दोस्तों। चले क्वेश्चन नंबर 5, रंगीन सी थोड़ी दुनिया है तो रंग इसमें भर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कलरफुल
मार्कर के साथ क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन इन 2018 में दोस्तों जो नहीं क्लियर किया है। तो देखिए ना 2018 में 2000 बच्चे सिंपली दिया हुआ है, 2000 बच्चे क्लियर नहीं किए हैं, इसी का तो रेशियो लेना है। 2018 में 2000 बच्चे क्लियर नहीं किए टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, अच्छा सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों। तो 2017 में देखिए ना कितना सिलेक्शन है, ये है आपका 18 तो 600 हो जाएगा, तो 600 बंदे हैं जो क्या हुए हैं, 600 आपके 600 आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, कैंडिडेट जो इंटरव्यू, उसमें से सिलेक्शन कितने का है, 600 में से 6, 7, 8, 600 का कितना है दोस्तों 8%, तो 600 का 8% 8 × 48 हो जाएगा, 8/100 या सिंपली 48 लिख लीजिए, 2020 कट गया, ठीक है। इसी का तो रेशियो लिखना है, 2 से कट गया 3 और 8 से कटा 1000, तो 125 हो गया, तो 125:3 हो गया, 125:3 ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ये बोला है ना जो डिड नॉट क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, तो 2400 थे, 2000 क्लियर नहीं किए रिटन एग्जामिनेशन, देखिए दिया हुआ है 2018 में ये, ठीक। उसके बाद बात किया 2017 में सिलेक्टेड जो है, तो 2400 ही बच्चे थे 2000 में, और 17 में कितने थे ये 1800, तो 600 बंदे ऐसे थे जो इंटरव्यू के लिए गए थे, इसमें से 8% का सिलेक्शन हुआ, तो 600 का 8% कितना हो जाएगा 8 × 48 हो जाएगा, यही काम हमने किया दोस्तों। चलिए अब अगले डीआई की ओर चलते हैं, 1 से 1.5 मिनट का डीआई था दोस्तों ये, उससे ज़्यादा का डीआई नहीं था, 1 से 1.5 मिनट का था, इससे ज़्यादा का ये डीआई नहीं था। उम्मीद करती है आपको समझ आ गया होगा, एक डीआई और ले लेते हैं उसके बाद हम लोग अगले उसमें चलेंगे। चलिए फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स सोल्ड फ्रॉम 5 स्टोर। अच्छा ये क्या कह रहे हैं कि 5 स्टोर के द्वारा, स्टोर ए स्टोर बी स्टोर सी स्टोर, ये 5 स्टोर है आपका ए बी सी डी ई, 5 स्टोर के द्वारा बेडशीट ब्लैंकेट और कर्टेंस, ये 3 चीज बेचे गए हैं, बेडशीट भी बेचा गया है, ब्लैंकेट भी और कर्टेन भी। पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं दोस्तों, ब्लैंकेट ये वाला आपका ऑरेंज वाला है, ये वाला आपका जो पोर्शन है वो क्या है ब्लैंकेट है, ये वाला आपका ब्लैंकेट है, बेडशीट ये ब्लू वाला जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए जो ब्लू वाला ये बेडशीट है ये आपका, ये जो आपका वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका बेडशीट और जो बच गया वो कर्टेन है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। अब देखिए डायग्राम देखते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल हमको निकालना है स्टोर ए जो बेडशीट कितना बेचा था, स्टोर ए का बेडशीट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ इसके सामने मिला ये, मतलब कितना है 750 है, वैल्यू कितना है दोस्तों 750। अब स्टोर ए ने जो ब्लैंकेट बेचा वो देखिए इसके सामने है, तो कितना है 850 है दोस्तों, ठीक। अब कर्टेन कितना बेचा है, तो कर्टेन यहाँ पे देखिए 600 बेचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब कहेंगे स्टोर बी का ब्लैंकेट बताइए, तो स्टोर बी का ब्लैंकेट यहाँ पर है, यहाँ पर 2 कम है, 1 और 1 2 कम है, मतलब 500 में 20 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 480, तो ये वैल्यू कितना है 480। निकालना कैसे है ये आप लोग समझ पा रहे हैं 480। अब मैं स्टोर डी का कर्टेन पूछूं, स्टोर डी का कर्टेन, तो देखिए स्टोर डी का कर्टेन यहाँ पे आ रहा है आपका दोस्तों, तो 650 में 1 कम है, तो कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा, यही तो है दोस्तों, ऐसे ही निकालने। अब ये हमको ये वाली वैल्यू बता दी, स्टोर सी का बेडशीट, स्टोर सी का बेडशीट 2 कम है, तो 680 हो जाएगा, 700 में से 2 कम, तो 680, ऐसे निकालना है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1 मिनट का डीआई है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें भी। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ एन इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बेडशीट सोल्ड फ्रॉम स्टोर बी एंड नंबर ऑफ कर्टन सोल्ड फ्रॉम स्टोर बी एंड सी टुगेदर देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला है ना क्या निकालना है हमको, डिफरेंस निकालना है, बेडशीट जो स्टोर हुआ है सोल्ड हुआ है किससे, बी से, और किसका, नंबर ऑफ बी और सी टुगेदर, क्या कर्टेंस बी और सी के द्वारा टुगेदर, तो कर्टेंस कहाँ है दोस्तों, तो कर्टेंस 1, B और C यहाँ पर है, तो देखिए ना ये 1 कम है और ये 1 ज़्यादा है, मतलब दोनों मिलके बराबर ही होगा, जितना कम है उतना ही ज़्यादा है, मतलब 550 × 2 1100 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100 हो जाएगी। अब बी में बेडशीट कितना है दोस्तों, तो देख लीजिए बी में बेडशीट है आपका 1 ज़्यादा है, 800 में 1 ज़्यादा है, मतलब 810 है, तो 1100 में से 810 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 290। 290 का हमको सम ऑफ डिजिट पूछा है, सम ऑफ डिजिट का मतलब कितना 2 + 9 + 0, तो 9 और 2 = 11, आंसर कितना हो जाएगा 11। कैसे एडिशन किया हमने, देखिए आप लोग क्या करते हैं ना, गलती क्या करते हैं आप लोग एडिशन में, टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं, तो आप लोग ये वाली वैल्यू यहाँ देखते हैं लिखते हैं 540, और ये वाली वैल्यू यहाँ देखते हैं एक ज़्यादा है लिखते हैं 560, और फिर 2 बार लिख के जीरो, 6 × 4 = 10, 10 × 1 = 11, फिर ये लिख के जोड़ते हैं, नहीं दोस्तों ऐसे नहीं करना है, देखिए जितना कम है उतना ज़्यादा है, मतलब ये वैल्यू बीच में आ जाएगी, देखिए 1 यूनिट कम है 1 यूनिट ज़्यादा है, मतलब ये दोनों बराबर हो गया, कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसको भी 500 ले लेते हैं, इसको भी 500, इसका 10 रुपया इसको दे देते, ये भी 500, सॉरी ये भी 550, ये भी 550, तो कितना हो गया 1100 हो गया,
कुछ यही अंदाज से जोड़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा टाइम तो बचेगा ना दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके ना आप लोग खुद से भी ट्राई किया कीजिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या पूछा, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो, क्या पूछा हमसे, रेशियो पूछा है। कंप्यूटर जी मार्कर सेलेक्ट कीजिए, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैंकेट सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए एंड ई टुगेदर, ब्लैंकेट ए और ई के द्वारा, ए के द्वारा देखिए 850 है, तो 850 और ई के द्वारा ब्लैंकेट कितना है, तो यहाँ पे दोस्तों 650 है, 814 और एक 15, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा, बेडशीट डी और ई के द्वारा, बेडशीट कौन सा है, ब्लू वाला है, डी और ई के द्वारा बेडशीट यहाँ पे कितना है, 800 है और यहाँ पे कितना है, 550 है, 550 नहीं दोस्तों 500 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1300। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 20 यहाँ से कट गया, 20 यहाँ से कट गया, तो 15 और 13 का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। अब कुछ लोग ना ये इक्वेशन देख के घबरा गए होंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अब समझना है आपको क्या करें, इफ़ द नंबर ऑफ बेडशीट ब्लैंकेट एंड कर्टन टुगेदर सोल्ड फ्रॉम स्टोर ई, कौन कौन सा, तीनों, आर एक्स परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बेडशीट सोल्ड फ्रॉम स्टोर डी, ठीक यही कह रहे हैं। तो पहले हम तीनों निकालते हैं कितना है दोस्तों, तो ये वाली वैल्यू आपकी 500 हो गई, ये 650 हो गई और ये वाली वैल्यू 770 हो गई, ये कितना हो गया 500, ये 650 और ये वैल्यू हो गया 770, यही वैल्यू हो गया दोस्तों। तो 075 बारह के दो हाथ में लगा एक और ये क्षेत्र का 18 एक 1920 हो जाएगा, ठीक 1920 हो गया दोस्तों। किसका परसेंटेज निकालना है, बेडशीट डी के द्वारा, बेडशीट डी के द्वारा, बेडशीट ये ब्लू वाला है, डी यहाँ पर है, मतलब कितना है 800 का, 1920 800 का कितना परसेंट है, इनटू 100%, यही तो निकालना है दोस्तों। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 24 टाइम्स जाता है, तो 240% हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 240 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 240। अब हमको क्या निकालना है, 4x/10 माइनस का 3 निकालना है दोस्तों, यही तो निकालना है। तो 4 × 240/10 और माइनस का 3, 0 0 24 96 माइनस 3 93 हो जाएगा, 96 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 93, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा सिंपल था दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कर्टन सोल्ड फ्रॉम ऑल द गिवन स्टोर टेकन टुगेदर, तो क्या निकालना है, कर्टन्स निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। तो पहला ये वैल्यू कितना है, 600 है और यहाँ पे एक वैल्यू कम है, तो कितना है, 540 है, यहाँ पे देखिए एक ज़्यादा है, तो कितना है, 560 है, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कम है, तो यहाँ पे कितना है, 640 है, ठीक है, और ये दो ज़्यादा है, तो कितना है, 770 है, जोड़ देते हैं, सब जीरो हो जाएगा, 6 × 4 = 10 और 7 × 4 = 11 = 21, हाथ में लगा दो, ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10 और 6 × 6 = 12 = 22 = 27 और 1 = 31, 31 हो गया दो। तो अब एवरेज निकालना है, तो टोटल सम इतना, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो एवरेज निकालना है, आप 2 से गुना कर देंगे, 3 × 2 = 6 = 6 × 2 = 22, 5 से डिवाइड करने के बजाय 2 से गुना कर देते हैं, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका था आपके क्वेश्चन को करने का दोस्तों, ये वाला जो था वो बेसिक तरीका था क्वेश्चन को करने का। दूसरा अप्रोच मैं बताता हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल अप्रोच है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ भी एक मान लेना है, जो मन करे वो एवरेज आपको मान लेनी है, सबसे तरीका अच्छा ये है, या तो जो मन करे एवरेज मान लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन से देखिए, तो ऑप्शन देखिए सारे वैल्यू 600 से ज़्यादा है, तो एवरेज को 600 मान लीजिए, एवरेज कितना मान लीजिए, 600 बराबर एवरेज। अब देखते चलिए ए में कितना है, ए तो 600 है मतलब 0, ए में कितना 0, इधर देखिए कम है, 600 से कितना कम है, ये 50 और 10 60 कम है, तो बी में माइनस 60 और ये कितना कम है, 10 20 30 40 कम है और इधर का माइनस 40। अब ये देखिए 600 से कितना ज़्यादा है, 10 20 30 40 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, प्लस 40 और देखिए 770 170 ज़्यादा है, प्लस का 170 ज़्यादा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 170 माइनस 60 कितना हो गया, 110 ज़्यादा हो गया, 110 मोड़ हो गया, तो 110 ज़्यादा कितने लोगों में डिवाइड होगा, 5 पीपल में, 5 स्टोर में, तो एक स्टोर का कितना हो जाएगा, 22, 22 ज़्यादा होगा किस में, ईच, एवरेज तो वही होता है ना, सबको बराबर बराबर कितना मिले, तो 600 था, 600 में 22 ज़्यादा होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 में 22 ज़्यादा होगा, तो 622। ओरली कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था दोस्तों, कोई भी वैल्यू मान सकते थे आप अपनी सुविधा के अनुसार, जो आपके मन करता है वो मान लेते, ठीक। एक और एग्जांपल लेके मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर जी इसको जरा सा मिटा दीजिए, देखिए एक और एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर आपको लगता है कि नहीं हम 600 नहीं मानते,
चलिए कोई बात नहीं, 600 नहीं मानते तो ये वाली वैल्यू आसान लग रही है, 550 मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखिए ये कितना कम है, 10 कम है, ये 10 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 50। तो पहला वाला 50 ज़्यादा, इधर -10 और इधर +10, ये 550 है। फिर ये देखिए ये वैल्यू 640 हो गया, तो ये 90 ज़्यादा है, प्लस का 90, और 170 और +50, 170 प्लस प्लस 220, तो प्लस का 220, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 80, 10, 310, 360 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 360। ठीक, यहाँ पे देखिए ना 220 था ज़्यादा, सही था, और 90 और 50, तो 220 और 90 50 कितना हो गया, 220 प्लस 90, 310, 360, 5 लोगों में डिवाइड होगा तो एक में कितना बढ़ेगा, 72, तो 550 प्लस 72 कितना हो जाएगा, 550 प्लस 72, 2, 7, 5, 12, 622 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ 60% एंड 75% ऑफ बेडशीट सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए एंड स्टोर सी आर ब्लू इन कलर, कलर कौन सा है, ब्लू है, हाउ मेनी ब्लू कलर बेडशीट सोल्ड फ्रॉम स्टोर ए एंड सी टुगेदर। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है आपका दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्टोर ए, स्टोर ए पे गए हम लोग, स्टोर ए पे कितना है 60%, क्या है कौन सा, बेडशीट, बेडशीट मतलब ब्लू वाले, 750 है, 750 का 60% निकालना है दोस्तों, कितना, तो 10% 75, ये 60% के लिए 6 से गुना कर देंगे, तो 75 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 की जरूरत मिलती है, 42 और 3 = 45, तो ये वाली वैल्यू 450 हो जाएगी। दूसरा कह रहा है 75%, सी में 75% है, तो यहाँ पे सी में वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे है आपका 630, कितना है दोस्तों यहाँ पे वैल्यू आपकी, 630 नहीं है, तो 650 है ना, 650 प्लस 30, 680 है, 680 है, 680 का 75%, 75% का वैल्यू आपको पता है दोस्तों, यहाँ से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं 3/4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4, तो ये 17 चौके होता है, तो 170, 17 × 51, तो 510 हो जाएगा, इस दोनों का सम तो निकालना है, तो कितना, 0, 5, 106, 4, 5, 4, 9, 960 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 960 इज द आंसर। ठीक, बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। चलिए एक और छोटा सा DI है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास से और भी DI हम लोग डेली DI डिस्कस करेंगे दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, हम लोग डेली DI डिस्कस करेंगे, और आप लोग भी बने रहिए, मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या हमें अभी तक अपने सोशल मीडिया इंस्टा फेसबुक पे फॉलो नहीं किया, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी टेलीग्राम का लिंक यहाँ है, आप लोग को डाउट होता है तो डाउट डिस्कशन करने के लिए हमने ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ भी आप लोग आकर डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब आते हैं, क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चन। फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ मंथली सेविंग ऑफ 5 एम्प्लॉय। क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ है किसका, मंथली सेविंग दिया हुआ 5 एम्प्लॉय। पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, सर्कुलर जो चार्ट होता है, इस टाइप के चार्ट को क्या बोलते हैं, पाई चार्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक, मंथली इनकम ऑफ ए डी एंड ई 6:7:5 रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो है, 6:7:5 है रेस्पेक्टिवली, डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड ई। अब देखिए ए और ई का यहाँ पे देखिए ना, ए रेशियो डी रेशियो ई, ये जो दिया हुआ है 6:7:5 दिया हुआ है, इनकम का रेशियो किसका, इनकम का, तो इन 6 और 5 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1, और इस 1 का वैल्यू, ए और ई का देखिए डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 4000, 1 का वैल्यू दिया हुआ है 4000, तो 6 का कितना हो जाएगा 24000, 7 का कितना हो जाएगा 28000, और 5 का कितना हो जाएगा 20000, मतलब तीनों का इनकम तो निकल गया, ए का इनकम 24000, डी का इनकम 28000, इन का इनकम 20000, ये निकल गया। और मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी एंड सी, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, अगर एक्सपेंडिचर में सेविंग जोड़ दें तो इनकम इसका निकल जाएगा, दोनों में सेविंग जोड़ दें तो दोनों का इनकम निकल जाएगा। ठीक, अब ये पाई चार्ट क्या दिया हुआ, सम ऑफ मंथली सेविंग ऑफ ऑल द 5 एम्प्लॉय, मंथली सेविंग का सम दिया हुआ है 5 एम्प्लॉय का इतना, और सेविंग का परसेंटेज दिया हुआ है कि कौन सा कितना परसेंटेज है, मतलब अगर ए की बात करें, ये वैल्यू ए है आपका, तो ए का कितना है, तो दोस्तों ए का है 24% ऑफ 75000 बराबर सेविंग ऑफ ए, सेविंग ऑफ ए, यही क्वेश्चन कर रहा है। इस बी की बात करें तो बी का रहा है 22% ऑफ 75000, ये क्या है, सेविंग ऑफ बी, ये वैल्यू दोस्तों क्या है, सेविंग ऑफ बी है। ठीक है, चलिए इतना सा बात आपको समझ आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग बी और सी का, तीनों का इनकम निकल चुका है, तो बी और सी का भी हम लोग इनकम निकाल लेते हैं, तो बी का निकाल लीजिए यहाँ से, 22% ऑफ 75000 है। अब दोस्तों थोड़ा सा ना इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, अपनी स्वेच्छा से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 75% ऑफ 22000, मन ही मन इतना काम हम लोग कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x% ऑफ y, क्यों, क्योंकि देखिए ना x% ऑफ y
इज इक्वल टू वाई परसेंट ऑफ एक्स होता है, तो हम लोग इसी को मनी मनी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमको वैल्यू पता चल गया 3/4 होता है, 75% का वैल्यू 3/4 होता है, तो सिंपली गुना कर दे 3/4, ठीक। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 16500। और बी का देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कितना 1500 और 165, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का इनकम हो जाएगा 16500 प्लस का 1500, तो यहाँ पे बी का इनकम 18000 आ गया। बी का इनकम कितना आ गया दोस्तों 18000। सी का भी निकाल देंगे, तो सी का ये 8500 हमको पता है, ये वाली वैल्यू हम लोग सी के लिए निकाल लेते हैं, ठीक। तो सी का कितना है 18% है, सी का कितना है 18% है, तो 18% ऑफ 75000, वही इसको सिंपली लिख सकते हैं 75% ऑफ 18000, 75% ऑफ कितना 18000, तो 9 का आधा 45, तो 135 हो जाएगा दोस्तों। कैसे किया हमने ये आपको नहीं समझ आया गया होगा, कोई बात नहीं, मतलब 25 निकाल के 3 से गुना कर देना, तो 25% कितना हो जाता 900 का आधा कितना हो जाता 450, तो 450 को 300 करते थे कितना 1300, 1350, ठीक। ये वैल्यू हो जाती, जीरो पे उतना लोड नहीं लेना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1350, एक जीरो एक्स्ट्रा था ना यहाँ पे, एक जीरो एक्स्ट्रा है ना, तो एक जीरो वही एक्स्ट्रा यहाँ पे 4500 लगा दीजिएगा, ठीक 1350। तो यहाँ से दोस्तों सी का भी हो गया कितना, तो सी का 22000 हो गया, सी का भी आपको पता चल गया कितना हो गया, सी का 22000 इनकम हो गया। सबका इनकम तो आपको पता चल गया, ए का भी इनकम पता चल गया, बी का भी, सी का भी, डी का भी, ई का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय टेकन टुगेदर। तो ए का इनकम यहाँ लिखते हैं बी, ए बराबर बी बराबर सी, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इतना तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। चलिए ए का कितना था दोस्तों, ए का था आपका यहाँ पे, अब देखिए ना थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे हम लोग जोड़ने में, तो देखिए 6 ये 7 और 5 12 6 18 हो जाएगा, 18 6 72, तो ये 72000 हो जाएगा डायरेक्ट इनका, इसका इसका और इसका मिला के कितना हो जाएगा 72000 डायरेक्ट मैं लिख दूँ रेशियो से, ठीक। और बी और सी का भी हमने निकाला था 18000 और 22000, इन बी और सी का हमने यहीं जोड़ दिया, तो 3 0 इधर हो गया, 8 2 10 2 4, ये 40000 यहाँ हो गया, तो 72000 यहाँ हो गया और 40000 यहाँ हो गया दोस्तों, तो ये कितना हो गया 2 और 7 4 11, ये हो गया। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो 5 है तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड के लिए 2 से गुना कर देते हैं, 0 हटा के 2 से गुना कर देते हैं, तो 11 2 22 2 2 4, तो 22400 हो जाएगा आंसर इसका। जैसे देखिए ना, मान लीजिए ना हमको 5 से डिवाइड करना है, कोई नंबर है 12, उसको हमको 5 से डिवाइड कर देना है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, 120 है उसको 5 से, तो हम क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो 5 2 10 हो जाएगा, 10 का 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 2 24, यही काम करते हैं 2 से गुना कर देंगे, 22400 पहला का ए हो गया दोस्तों। उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली सेविंग ऑफ ई एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो सेविंग ई का निकालना है, ई का सेविंग कितना है दोस्तों, तो ए ये रहा, तो ई ये हो जाएगा, ई का सेविंग कितना है 17% ऑफ 75000, 17% ऑफ 75000, तो ये सिंपली आपका वही हो जाएगा 75% ऑफ 17, तो 3/4 इंटू का कितना आ जाएगा 17, ये निकाल सकते हैं आप लोग, ये वाली वैल्यू 12750 आ जाएगी, एक ई का तो वैल्यू आ गया। और क्या पूछ रहा है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए, तो ए का इनकम दोस्तों देखिए कितना है, यहाँ पे अभी हमने निकाला था ए का इनकम है 24000, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ए का इनकम कितना है 24000। चलिए तो ए का जो है इनकम जो है वो कितना है 24000 है, अब ए का यहाँ पे देखिए ना 24% ऑफ 7500, यहाँ पे निकालना है हमको ए का कितना 24% ऑफ 7500, तो 75% ऑफ 2400 निकाल लेंगे, तो 3/4 ऑफ कितना हो जाएगा 24 6 3 18, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 18000 हो जाएगी, सेविंग 18000 हो गई, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, सेविंग आपका हो गया 18000, तो एक्सपेंडिचर 6000 हो जाएगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर कितना 6000। अभी एक्सपेंडिचर और इसका डिफरेंस पूछा है, 6000 और इसका डिफरेंस हमको निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोस्तों, तो 12750 में से कितना माइनस कर देंगे 6000 माइनस कर देंगे, 0 5 और 7 12 में से 6 का 6750, ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में और ऑप्शन ई भी टिक कर सकते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन गलती हो सकती है उनको घटाने में, समझ रहे हैं इस बात का आप लोग, बशर्ते ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कि बहुत सारे बच्चे गलती करें। और अगर मेरे से पहले आपने ये वीडियो देखा होगा, इस क्वेश्चन से पहले हो सकता है आपने बनाया होगा, तो इस टाइप के मिस्टेक आपने किए होंगे दोस्तों, तो ये जरूरी है। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ।
ये जरूरी है दोस्तों, इसको बचाना आप लोगों को जरूरी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। छोटे छोटे से गलती हैं, यही आपको बचाएगा, क्योंकि गलती होगा तो इसका टाइम भी जाएगा और उसका मार्क्स भी जाएगा और निगेटिव भी ले जाएगा। ठीक, एक नंबर इसका गया, टाइम गया, और 0.25 दूसरे का भी लेके चला गया, तीन नुकसान होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट इनकम इज सेव्ड बाई सी एंड डी टुगेदर, क्या बोला है कि कितना परसेंट इनकम का सी और डी के द्वारा बचाया गया। तो सी और डी का इनकम कितना है दोस्तों, तो सी का इनकम यहाँ लिख देते हैं, डी का इनकम यहाँ लिख देते हैं। सी और डी का इनकम कितना है यहाँ पे, कंप्यूटर जी ऊपर ले चलिए, ज़्यादा ही ऊपर लेकर चले गए। सी का कितना है 22,000, और यहाँ डी का कितना है 28,000, 28,000 और ये 22,000 यहाँ पे दोस्तों। लाइए ये सी का कितना है 22,000 था, और इसका कितना 28,000, तो दोनों का कंबाइंड इनकम कितना हो गया, 8 2 10, 2 2 4 1 5, 50,000। दोनों का कंबाइंड इनकम हो गया आपका कितना, 50,000। अब इसका सेविंग निकालना है दोनों का, कितना सेव किया गया। तो ये आपका डी है, ये आपका सी है, तो सेव कितना किया, 18 2 36, 37%। तो सेविंग कितना हो गया आपका, 37% ऑफ 75, ये 75 है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ना हमको ये नहीं निकालना है, ये इसका कितना परसेंट है यही पूछा है, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू कितना 100%। हमको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है दोस्तों, ये अब फिर निकालते हैं, क्यों निकाले जब यहाँ कट ही जाएगा रेशियो में, तो निकालने के लिए जो नहीं करना है, 3 0 3 0 यहाँ से कट गया, कलर चेंज कर लीजिए कंप्यूटर जी। अब देखिए ये 50 से सिंपली कट गया कितने बार में, 2 टाइम्स में, 50 से सिंपली कट गया 2 टाइम्स में, और 75 दूना 150, 37%, तो 37/100 इंटू का कितना है 150 हो गया। तो ये कटा 2 और ये कटा 3, ये आप लोग ये कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते, 7 3 21 के एक हाथ में लगा 2, और 3 दूना 3 कितना हो जाएगा, 9 2 11, 111/2, 111/2 कितना हो जाएगा 110 का 55, तो 55.5% हो जाएगा दोस्तों। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ले सकते थे आप लोग, कैसे 36 ले लेते, इसको 37 की जगह कितना ले लेते, स्मार्टली देखिए वर्क करते और इसको कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाते हम लोग आसानी से, इसको ले लेते 36%, कितना हो जाता 36% स्मार्ट वर्क में, तो 36 18 हो जाता है, 18 3 54, 54 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 54 से ज़्यादा कितना दिया हुआ है 55, ऐसे भी टिक कर सकते थे थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू लेकर, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली पूछा भी है वहाँ पे हम लोगों से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ई, तो ई का मंथली इनकम टू मंथली सेविंग ऑफ बी एंड सी टेकिंग टुगेदर, तो ये आपका हो गया बी और ये आपका सी, कितना हो गया 40% है। तो बी प्लस सी का सेविंग लेना है और इसका इनकम लेना है, तो बी प्लस सी का तो ये तो दिख रहा है 40% ऑफ कितना 75,000, ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये परसेंटेज हटा के हम सीधा क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 100 लगा देते हैं और ई का इनकम यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर जी। चलिए ऊपर ई का इनकम हमने अभी निकाला था कितना था, 20,000 था, ई का इनकम यहाँ पे कितना आया था 20,000 था। अब यही तो रेशियो निकालना है, यही रेशियो निकालना है, तो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कट गया ये 5 बार में, और 5 से कटा 15, तो 10 रेशियो 15, 10 रेशियो 15 का मतलब कितना हो गया 2 रेशियो 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, बहुत सिंपल है, बस काटना कूटना तो है बहुत ज़्यादा। अब आप बी का निकालते अलग, सी का निकालते अलग, फिर जोड़ते, ये कहीं का इंसाफ नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग स्मार्टली वर्क कीजिए। बी का अलग निकाल रहे हैं सेविंग, सी का अलग फिर जोड़ रहे हैं, नहीं क्यों परसेंटेज में डील कर दीजिए। अब 40% क्यों निकालना 75,000 का, सिंपली रेशियो में तो कट ही जाएगा, तो निकालने पर लोड नहीं लेना, क्योंकि सिंपली क्या होगा दोस्तों, रेशियो में वो चीज़ कट ही जाएगा और कटना ही है, तो इतना निकालने पर फोकस क्यों करना है। ठीक है चलिए दोस्तों मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बी डी एंड ई टुगेदर, बी डी एंड ई टुगेदर। तो अब देखिए ना दोस्तों डी और ई का वहां दिया हुआ था, तो डी प्लस ई का कंबाइंड निकाल लेते हैं हम लोग, डी प्लस ई का कंबाइंड यहाँ पे चलिए कंप्यूटर जी ऊपर ले चलिए, डी प्लस ई का कंबाइंड 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, एक रेशियो का वैल्यू 48, तो 12 रेशियो का वैल्यू 12, एक का वैल्यू 4, तो 12 का 48 हो जाएगा, 1248 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी और ई का कंबाइंड जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा, इनकम आपका हो जाएगा 48,000। अब इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे, इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब सेविंग डी प्लस ई का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे डायग्राम दिखाइए जरा सा, डी और ई का, ये आपका डी हो गया, ये ई, 18 दूना 36 हो जाएगा, एक कम एक ज़्यादा, 36% ऑफ 7500 कितना, 36% ऑफ
75,000 नहीं है, तो ये सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 3/4 ऑफ कितना 36,000, तो 9 3 का 27, ये वैल्यू कितना हो गया दोस्तों 27,000 हो गया। तो 48 में से कितना माइनस कर देंगे, 27 सेविंग माइनस कर देंगे, तो ये आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा कितना 21। इसका डी और ई का तो एक्सपेंडिचर निकल गया, अब बी का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है दोस्तों, बी का एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ था 1500 दिया हुआ था। देखिए मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन में गिवन था शुरू में ही एक्सपेंडिचर बी का, मंथली एक्सपेंडिचर किसका, बी का कितना दिया हुआ है 1500। यहाँ पे दोस्तों ये वैल्यू दिया हुआ है 1500, तो 2 0 इधर 5 2 2 5। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए किससे डिवाइड करेंगे, तो 2 2 5 00 डिवाइडेड बाई 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 75 300 ये होता है, तो 75 पे 2 0 75 100 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डीआई कुछ डिस्कशन करेंगे दोस्तों। अगर समझ आ रहा है तो देखिए वीडियो को लाइक करें, और अब तक आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे दोस्तों, और शेयर करें दोस्तों दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, थोड़ा सा शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको लगता है तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके, स्लो करके कैसे भी देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, बेटर ये रहेगा कि मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को, पर वीडियो को पॉज किया करें, फिर से ट्राई किया करें दोस्तों, उसके बाद अटेम्प्ट लिया करें। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 मिलेंगे, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था SBI, अभी बहुत लंबा चलेगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये हम सीरीज चलाते रहेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा उसके बाद मेंस लेवल का भी करेंगे, अभी प्री का हम लोग कर रहे हैं, मेंस आएगा तो मेंस का भी करेंगे दोस्तों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद।